हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद मुस्ताफी इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया। कहते हैं मुल्क बहरान से दो चार है, इसलिए रजाकाराना तौर पर मुस्ताफी हुआ। मुहादा तय, धरना कायदीन का 12 घंटे में धरना खत्म करने का ऐलान। कारकुन रिहा ना हुए तो एहतजाज होगा, धरना कायदीन का मौके। धरने के दौरान गिरफ्तार अफराद 3 रोज में रिहा किए जाएंगे। राजा जफर उल्लाह की रिपोर्ट चंद रोज में जाहिर करने पर इत्तेफाक। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआहदे पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल, खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी समेत 5 अफराद के दस्तखत। फैजाबाद धरना ऑपरेशन की नाकामी की रिपोर्ट 10 रोज में पेश करने का हुक्म दे दिया। इंतजामिया ने पुलिस को जलील कराया। इनके तहत किसी फौजी अफसर का सालिस बनना कैसा है? धरने वालों ने अपनी बात मनवाई, ये कैसा मुआहदा है? अरबों का नुकसान करने वालों को रियासत ने माफ कर दिया और नुकसान का अजाला भी रियासत करे, ये कहाँ का कानून है? जस्टिस शौकत इज़ी सिद्दीकी के रिमार्क। मुजाहिरीन के पास मास्क, आंसू गैस शेल और दीगर अशिया कैसे आईं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर दाखला से इस्तफसार, रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत। इसका जवाब तो धरने वाले ही दे सकते हैं, एहसन इकबाल का जवाब। कहा मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल थी, मुझे मारने वाले को इनाम देने के भी ऐलानात किए गए, मुल्क की मुफाद की खातिर सब किया। का सबसे बड़ा शहर कराची धरने के 22 मफलूद, सोहराब गोट पर ऑयल टैंकर्स की कतारें। शहर में तालीमी इदारे बंद, आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी, अवाम खौफ में मुब्तला, शहर में धरने खत्म कराने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने जारी, तालीमी इदारे भी बंद, इम्तिहानात मुलतवी, अवाम परेशान। शहबाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। कैप्टन सफदर रिटायर्ड, एहतसाब अदालत में पेश। वकील ख्वाजा हारिस और इस्तेगासा के गवाह अदालत नहीं आए। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। कौमी असेंबली की नशस्तों के हवाले से तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। हुकूमत और ओपोजिशन में मामला तय ना हो सके। कराची के रफाई प्लॉट्स पर कब्जा 2 रोज में खत्म कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात मस्मार करने की हिदायत, सफाया ना हुआ तो DGKDA को जेल भेजेंगे। क्या कराची शादी हॉल्स के लिए बना था? शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया, जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जामशोरों के इलाके नूरियाबाद के करीब ट्रॉलर की वैन को टक्कर।